हेलो दोस्तों, चैनल की एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल के ऊपर सबसे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ एक बेल बन का आएगा उसको भी प्रेस कर देना, फ्री फायर के हर एक अपडेट, हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि फ्यूचर में फ्री फायर की हर एक अपडेट जो भी आएगा फ्री फायर में सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। मैं आज आप सभी के लिए एक वीडियो बनाने वाला था जो कि सीजन 12 बिलीव कास्ट का कैसे फ्री में ले सकते हैं, मतलब बेसिकली जो रेफर एंड आर ऐप होती है उनके ऊपर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन यहाँ पे अपडेट आ चुका है मेरे पास। तो कल वाली वीडियो पे मैंने आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था क्योंकि मेरे पास तब कन्फर्मेशन नहीं था। आज मेरे पास कन्फर्मेशन आ चुकी है तो जल्दी से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आप सभी के लिए, होपफुली आपको पसंद आएगा। और मैं आपसे सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। अभी तक आपने नए जो चीज़ जगह आने वाली है, नया जो प्लेस आने वाली है मैप पे, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सुना है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा डिटेल्स दूंगा और हर एक पोर्शन दिखाऊंगा नए प्लेस का जो आने वाला है मैप पे। तो मैप पे चेंजेस होने वाला है, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बोला था फैक्ट्री के अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूँ नया जगह जो कि आएगा वाटर फ्रंट के प्लेस पे। अब वाटर फ्रंट की प्लेस कहाँ पे होती है, सीपीआर और ग्रेवियार्ड के बीच में वाटर फ्रंट आता है। अब वाटर फ्रंट पे हमें जो है नया जगह देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा बुलजाई। अब बुलजाई आप किस चीज़ को बोलते हैं आप सभी लोग जानते हो। हम लोग जब किसी को एम करते हैं और उसका जो एम अगर हम लोगों का सही हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं बुलजाई, मतलब जो बुल्स होती है उसकी आई को हम यहाँ पे बुलजाई बोलते हैं। तो नया जो जगह आने वाला है उसको हम नाम दिया है गरीना ने बुलजाई। अब नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो जगह है ये एम करने के लिए होगा। तो यहाँ पे जी हाँ, आप यहाँ पे एम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है पबजी में जो लॉबी होता है, मतलब जो यहाँ पे ट्रेनिंग मोड होता है, वहाँ पे हमें जो है प्रैक्टिस मोड देखने को मिलता है ट्रेनिंग मोड पे, वहाँ पे हम एम कर सकते हैं। कुछ उसी डिज़ाइन का यहाँ पे है लेकिन ये ट्रेनिंग मोड के अंदर नहीं आता है, ये मैप के अंदर रहता है। तो ये जगह जो है, ये जगह बेसिकली ये लोग कर क्या रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उनके पूरा 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 फोटो वीडियो चलते चलते मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप यहाँ पे घुस सकते हो, कैसे आप यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हो। तो उसका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले चलते चलते, और मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर करना तो बनता है यार, ताकि फ्री फायर खेलने वाले हर एक लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग जो है नए जगह के बारे में सबसे पहले जानकारी ले सके। तो बुलजाई की यहाँ पर चलते चलते मैं आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप बात कर लेते हैं यहाँ पे बुलजाई के ऊपर। तो बुलजाई यहाँ पे क्यों इन लोगों ने लेके आया है, अब अगर आप देखोगे तो ग्रेवियार नया आया है, ऑब्जर्वेटरी नहीं आई है, सीपीआर को छोड़ के ये जो जगह था ये जगह कुछ ओपन टाइप का था। और मतलब आप अगर जानोगे तो पहले जो मैप, अभी जो मैप चल रहा है इसमें आप देखोगे यहाँ पे दो घर है, ठीक है, बेसिकली दो एक घर है, उसके छोड़ के यहाँ पे बाकी का जो जगह है वो पूरा का पूरा फ्री है, ओपन है। यहाँ पे आप सीधा सीधा बोलो तो ओपन है, ओपन प्लेस ये लोग मैप के अंदर नहीं रखने वाले हैं क्योंकि ये छोटा मैप है। और जितना ये यहाँ पे जो है, जितना ये मैप को ये लोगों ने क्राउडेड बनाना है, मतलब हर एक जगह को ये लोगों ने भर देना है घर और ये से, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए जो ओपन ओपन जगह होती है उनको ये लोग मतलब ढाक दे रहे हैं, ठीक है, मतलब पूरा जो इनको फील कर रहे हैं। जैसे ऑब्जर्वेटरी आया है जो कि यहाँ पे आप जानते ही हो, ऑब्जर्वेटरी आया है जो आउटपोस्ट था उसके लिए, आउटपोस्ट पूरा ओपन स्पेस था उसको बदल के ऑब्जर्वेटरी लाया गया। अब यहाँ पे जो है आप ग्रेवियार्ड आपको देखने को मिलेगा, अब ग्रेवियार्ड भी पूरा ओपन स्पेस था जिसको बदल के जो है यहाँ पे ग्रेवियार्ड लाया गया। अब यहाँ पे जो है ये को ये लोग जो है वाटर फ्रंट के यहाँ पे इसको ला रहा है बुलजाई। अब बुलजाई के बारे में बात करें तो बुलजाई ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको एक्शन वैक्शन कुछ नहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये जो है सिंपली बुलजाई जो है आप सभी के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप यहाँ पे मौज बना सकते हो, थोड़ा बहुत फाइटिंग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जगह जो है मैप में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है। मतलब इससे कैसे बता दूँ आपको, ये जो जगह यहाँ पे छुपने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे दो चार एम होती है जो एम करते हैं हम, जिसको वो एम रखा गया है यहाँ पे, आपको मैं दिखा रहा हूँ फोटो, आप देखो यहाँ पे कैसे आप इसको एम कर सकते हो। तो यहाँ पे एम करने के लिए कुछ है, और यहाँ पे कुछ ओपन फील्ड टाइप के जो गेम्स आती है, जैसे कि अब मान लो कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, जो बाकी के जो गेम्स आती है वहाँ पे छुपने के लिए बोरिया बिस्तर लगाया जाता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे अगर आप खेले होंगे। तो ये इसी टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लोग रखे हैं। ये जो आर्चरी की जो होती है ना, आर्चरी जो हम तीर लेके मारते हैं उसका जो जगह होती है उसको डिज़ाइन किया गया है इसी हिसाब से, ठीक है। तो ये लोग जो है सारे के सारे जो चीज़ें होती है उसको एकजुट करके एक चीज़ें यहाँ पे डालने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लूट मिलेगा, लूट ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे छुप सकते हो, ये एक अच्छी जगह है छुपने के लिए। सोलो में स्क्वाड के अंदर तो नहीं होने वाला है क्योंकि स्क्वाड के लिए छुपने लायक जगह यहाँ पर नहीं है, सोलो और डुओ के लिए ठीक ठाक है, चल जाता है, ये जगह ऐसी है। और बीच पे
मतलब मान लो अगर आप CPR से ग्रेवयार्ड जा रहे हो तो बीच में अगर कोई भी यहाँ पे पोर्शन फ्री होना होने वाली है उसको ये लोग ढक रहे हैं, मतलब घेर दे रहे हैं और चीज़ों से भर रहे हैं, ताकि ये जो मैप है ये पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग बन जाए और ज़्यादा। लोगों को ओपन में मारने का जगह नहीं मिलना चाहिए, ये लोग जो है ऐसा कुछ रख रहा है। मतलब गेम में जो है आपके पास ग्लोवाल होती है जिसकी मदद से आप यहाँ पे कवर ले सकते हो, तो उसी को यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके जैसा यहाँ पे करने के लिए, ताकि जो है ये मैप इंटरेस्टिंग बन जाए। और अब गेम छोटा साइज का है इसीलिए ये लोग नए मैप नहीं ला रहे। आप अगर बोलोगे कि नए मैप क्यों नहीं आ रहे, तो एक ही रीज़न है नए मैप नहीं आने का, ये गेम जो है साइज में छोटा है और ज़्यादातर कम जो यहाँ पे प्राइस के फ़ोन आते हैं उनके लिए ये गेम बनाया गया था। आज भी उनको देख के ही गेम में सभी चीज़ें आती है, थोड़ा बहुत अभी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे, क्योंकि समय के साथ साथ जो है लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, इस हिसाब से ये लोग चेंजेस कर रहे हैं ताकि लोगों का खेलने का जो नज़रिया है थोड़ा बदल जाए। ज़्यादा अगर बदल देंगे तो इनको बहुत कुछ अपडेट में लाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे मैं आपको कुछ चीज़ आएगा और दिखाऊंगा जो प्लेसेस में चेंजेस हो सकता है मेरे हिसाब से, वो भी मैं आने वाले फ्यूचर वीडियोस में आपको बता दूंगा। तो ऐसी वीडियोस अगर आपको सबसे पहले चाहिए फ्री फायर के, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, या चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर फ्री फायर के हर एक अपडेट लेटेस्ट वीडियो जो भी होगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा फ्री फायर के आने वाले अपडेट के ऊपर। अब फोटोज़ भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिए, अब आप बोलोगे कि भाई ये अपडेट कब आएगा, तो देखो भाई जो भी अपडेट बड़ी बड़ी अपडेट आती है, जो भी OB अपडेट आएगा, जो भी ये OB अपडेट में आएगा, हो सकता है ऐसा कुछ OB अपडेट OB अपडेट कब आता है, OB अपडेट आता है जो भी गोल्ड रॉयल जब खत्म होता है उसके रिगार्डिंग OB अपडेट आता है। तो गोल्ड रॉयल जब मतलब जो गोल्ड लीग है, मतलब जो गोल्ड यहाँ पे गोल्ड रॉयल है वो जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही आपको ये नया अपडेट देखने को मिल जाएगा मेरे हिसाब से। अभी तक डेट नहीं है इसलिए मैं आपको डेट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड जो रॉयल है वो जब ख़त्म हो जाएगा आपको नया वाला ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब आप बताना आपको कैसा लगा ये मैप जो है, इसमें जो चेंजेस किया जा रहा है ये आपको कैसा लगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया क्या है कि ये जो गेम को है, गेम के मैप में चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं है। ये चेंजेस कब आया था, ज़्यादा चेंजेस आया था क्लॉक टावर आने से, ज़्यादा चेंजेस आया है ग्रेवयार्ड आने से, ज़्यादा चेंजेस आया ऑब्जर्वेटरी आने से, लेकिन ये जो बुलजाई है ये ज़्यादा कुछ चेंजेस गेम में नहीं करने वाला है मेरे हिसाब से, ऐसा ही होगा क्योंकि छोटा मोटा जगह है, ज़्यादा कुछ बड़ी जगह नहीं है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस में बदल आएगा, फिर बदल कर रहे ये लोग एक्सपीरियंस को बदल रहे ताकि लोगों का खेलने का नज़रिया थोड़ा बदले जाए और थोड़ा एक्सपीरियंस और भी बेहतर किया जाए, और कुछ नहीं है। और फोटोज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मैं सबसे पहले आपको दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ यहाँ पे मैंने आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वीडियो शेयर करना प्रॉब्लम है इसीलिए मैंने आपके साथ फोटोज शेयर कर दिया हूँ, और फोटोज़ भी देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसा जगह है और कैसे कैसे यहाँ पे आप छुप सकते हो, कैसे आप क्या कुछ कर सकते हो। तो छुपने के लिए दो चार जगह बहुत ही अच्छी है जहाँ पर आप कवर लेके फायर कर सकते हो, फाइट ले सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है कवर लेने के मारने के लिए, और यहाँ पे आप जब आपका जो है ज़रूरत होने पे आप यहाँ पे छुप भी सकते हो। तो वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, फ्री फायर की हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए और हर एक डिटेल सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा फ्री में एलीट पास के ऊपर, तो मैं आपके साथ प्रॉमिस कर चुका हूँ। आप लोग चाहते हो कि मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँ जिसपे हम लोग फ्री के एलीट पास के ऊपर बात करेंगे, बेसिकली रेफर एंड आर्न के ऐप के ऊपर बात करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मिलता हूँ आपसे एक फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। शुरुआत इतनी धमाकेदार, कर ले हाथ हमसे आगे चार, जीत है अपने खून में, देख के हमें दुर्भाग्य हार, अलग है कुछ तो स्क्वाड में, जब बंदे आते हम साथ में, फिकर ना करते ट्रिगर से भरते जिगरा बहुत है हार्ट में, करते हैं फ्लाई रहते हैं हाई, रहेगा दूर तो तेरी है भलाई, करेगा लूट तो तेरी दुलाई।